Hello everyone, I'm Saket, director of Prayaas physics classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, two small equally charged spheres, each of mass small m, are suspended from the same point by silk threads of length L. The distance between the spheres x is much less than small l. Find the rate dq/dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies as v is equal to a upon root x where a is a constant. तो देखिए बच्चों सवाल में क्या कहा गया है. सवाल में ये कहा गया है कि यहाँ पर दो equally charged spheres हैं और दोनों का ही मास कितना है m है और उन्हें सस्पेंड किया गया है फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड्स जिनकी लेंथ कितनी है स्मॉल l है. क्लियर ही बात. अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों स्फेयर्स के बीच की जिसे x कहा गया है वो बोला गया है कि वो l के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत बहुत छोटा है. नाउ वी नीड टू फाइंड द रेट dq/dt विथ विच द चार्ज लीक्स ऑफ ईच स्फेयर और हमारे को ये कहा गया है कि यहाँ पर जो अप्रोच वेलोसिटी है वो कितनी है a अपॉन रूट x है. ठीक है तो देखिए बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x जो है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू l. ठीक है तो इस वजह से हम लोग थीटा पे क्या कमेंट कर सकते हैं कि थीटा कैसा होगा, इट विल बी अ स्मॉल एंगल. क्लियर है ये बात. अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग इन दोनों स्फेयर्स को क्या मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है ना. यहाँ पर ये दोनों अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थीटा ऑलरेडी कैसा है, बहुत छोटा है और बहुत स्लाइट चेंजेस भी यहाँ पर आ रहे होंगे तो इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर मान सकते हैं कि ये दोनों स्फेयर्स हमेशा किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे. ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं किसी एक स्फेयर का तो हम लोग इस पर कौन कौन से फोर्सेस शो करेंगे तो आइए देखते हैं. एक तो हम लोग यहाँ पर टेंशन टी शो करेंगे, उसके अलावा एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एमजी होगा, इसके अलावा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला फोर्स आएगा है ना, इस तरीके से जो लेफ्ट वाला स्फेयर है उस पर लेफ्ट की तरफ आएगा. क्लियर ही बात. और हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है एफई वो कितने के बराबर हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज करा है. क्लियर ही बात. और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है ना ये कितना हो जाएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो अगर ये दोनों स्फेयर हर समय हम लोग इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं. देखिए सबसे पहली इक्वेशन हो जाएगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर और टी साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के. ठीक है तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके टेंशन को गायब कर सकते हैं. तो यहां से क्या आ जाएगा, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर के बराबर. क्लियर ही बात. अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग और क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर जो थीटा है वो कैसा है, इट इज अ स्मॉल एंगल. क्लियर ही बात. तो यहां पर ये जो एक्स है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ आर्क लेंथ. क्लियर है तो एक्स को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, एल इन टू जो भी एंगल है दैट इज टू थीटा है ना. मैंने यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इन टू थीटा वाला है ना. यहां पर x जो है वो कैसा रोल प्ले कर रहा है, आर्क लेंथ की तरह रोल प्ले कर रहा है. क्लियर है तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा बिकम्स थीटा. ठीक है तो हम लोग tan थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा से. राइट तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा था, l इंटू टू थीटा के बराबर आ रहा था. तो हम लोग यहां पर थीटा को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट थीटा एज x अपॉन ट्वाइस ऑफ l. ऑलराइट तो यहां पर देखिए हम लोग थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टैन थीटा ऑलमोस्ट बिकम्स थीटा जो कि कितने के बराबर आ जाएगा, एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एल जो कि किसके बराबर आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर के. ठीक है तो अब देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर थ्री इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ एल डिवाइडेड बाय एम जी के बराबर. ठीक है तो यहां से देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हम लोग यहां से देख पा रहे हैं कि q के कम होने से x भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा. ठीक है
तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 3x² dx/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखिए यहां पर सिर्फ क्यू स्क्वायर वेरिएबल है, तो यहां पर आ जाएगा के इंटू 12 अपॉन mg। ये तो सारा के सारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2q dq/dt के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे को क्या दे रखा था, हमारे को dx/dt दे रखा था, है ना, और वो कितना दे रखा था, a अपॉन रूट एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, 3 times, अब ये एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है, x की पावर हाफ, तो यहां पर क्या आ गया, x की पावर 3/2। ठीक है, साथ में यहां पर a आ गया, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं के इंटू 12 इंटू 2q अपॉन mg, और इधर क्या आ जाएगा, dq/dt। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास dq/dt की वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो ये आ जा रही है 3a x की पावर 3/2 इंटू mg अपॉन, इधर कितना आ जा रहा है, तो 2 into 2 = 4 हो गया, तो 4kl into q के बराबर। ठीक है, लेकिन बच्चों इसके अलावा हम लोग एक और चीज जानते हैं, और वो ये है कि x अपॉन 12 क्या आया था, kq² upon mg x² के बराबर आया था। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, x की पावर 3 अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो x की पावर 3 अपॉन क्यू स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 2kl upon mg के बराबर। और अगर मैं यहां पर पूरे का क्या ले लूं, रूट ले लूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 upon q, ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2kl upon mg के। क्लियर है बात, तो यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि x की पावर 3/2 upon q जैसा टर्म हमारे को दिख रहा है यहां पर। क्लियर है ये बात, तो यहां से देखिए बच्चों फाइनली हमारे पास dq/dt कितने के बराबर आ जा रहा है, तो 3a upon 4kl mg, और साथ में क्या आ जाएगा देखिए, तो यहां पर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2kl upon mg के बराबर। क्लियर है ये बात, तो देखिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। तो देखिए बच्चों सिंप्लीफाई होकर के ये कैसा दिखेगा, 3a, फिर हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर mg और इधर रूट mg है, तो यहां पर रह जाएगा सिर्फ रूट mg। क्लियर है, अपॉन 4 times, अब k ऊपर है और k यहां पर भी है ना, ऊपर रूट k है, तो नीचे आ जाएगा रूट k और l भी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और एक रूट 2 जो है वो बाहर रह गया। क्लियर है ये बात, तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं और देखते हैं ये क्या बन जा रहा है। तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3a upon 4, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, अंडर द रूट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, mg, फिर 2, और अपॉन में l आ जाएगा और k की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 4πε0, है ना, 1/4πε0 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए, 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, 3a upon 2, अब अंडर द रूट में क्या क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा देखिए 2mg, है ना, 2mg πε0 upon l। क्लियर है ये बात, तो ये हमारे पास फाइनल जो है dq/dt की वैल्यू ये आ रही है। क्लियर है ये बात, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमारा ये सवाल जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।